सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में चिकन स्पैगेटिस की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। चलिए देखते हैं कि चिकन स्पैगेटिस जो है वो हम किस तरह बनाएंगे। इसके लिए मैंने 125 ग्राम जो है बोनलेस चिकन लिया है, और चिकन को मैंने इस तरह क्यूब्स में कट कर लिया है। आप चाहें तो इसको बॉईल करके श्रेड कर सकते हैं। इसके बाद मैंने एक नॉर्मल छोटी जो है वो गाजर ली है, और इसको बारीक बारीक चॉप मैंने इसको कर लिया है। इसके साथ एक मीडियम हमने कैप्सिकम लिया है, इसको हमने बारीक लंबा लंबा जो है वो कट कर लिया है। हाफ जो है बाउल मैंने बंद गोभी लिया, और इसको भी मैंने बारीक बारीक जो है चॉप कर लिया है। इसके बाद हमने 2 टेबलस्पून जो है वो मटर लिए हैं, अगर इसका सीजन ना हो तो आप इसको बॉईल कर लीजिएगा। 2 टेबलस्पून मैंने सोया सॉस ली है, 1 टेबलस्पून मैंने चिली सॉस ली है, ये ऑप्शनल है। इसके बाद मैंने नमक लिया है, नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालना है, मैंने आधा चम्मच लिया है। मैंने काली मिर्च पाउडर ली है आधा चम्मच, और इसके साथ जो आज की हमारी मेन इंग्रेडिएंट है वो है ये स्पैगेटिस। आप किसी भी अच्छी कंपनी का जो है वो स्पैगेटी पैक लेकर इसको पका लें। चलिए अब देखते हैं कि हम इसको किस तरह पकाएंगे। चलिए अब देखेंगे कि इसको हम किस तरह बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, अपनी स्पैगेटिस को ओपन करके एक पैन में डालूंगी। ये इस तरह से मैंने डाल ली है। इसके साथ मैं चिकन भी इसके अंदर शामिल कर दूंगी ताकि ये दोनों जो हैं इकट्ठे बॉईल हो जाएं। आप चाहें तो इन्हें अलग अलग बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको इकट्ठा ही डालकर पकाऊंगी। अब मैं इसके अंदर 2 ग्लास जो है वो पानी शामिल करूंगी। ये देखिए व्यूअर्स, हमने तकरीबन 4 ग्लास जो है इसके अंदर पानी शामिल किया है, जिसमें ये अच्छे से डिप हो जाए। अब मैं हल्का सा इसको टच देने के लिए मैं 1 पिंच के करीब जो है वो इसके अंदर नमक शामिल करूंगी। अब मैं मटर जो हमने 2 टेबलस्पून लिया है वो भी इसके अंदर शामिल करूंगी, क्योंकि मेरे पास सीजनल मटर नहीं थे, ये टाइम लेंगे पकने में, तो हमने साथ इसको बॉईल कर लिया है। अब हम इसको चूल्हे पे रखते हैं। ये देखें व्यूअर्स, मैंने इसको फुल आंच पर चूल्हे पे पकने के लिए रख दिया है 5 से 7 मिनट। 5 से 7 मिनट बाद हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, 7 मिनट हो चुके हैं, हमारी जो स्पैगेटिस है वो बिल्कुल रेडी हो गई। अब हम इसको निकाल लेंगे सेपरेट किसी छलनी में। इस तरह से आपने छलनी ले लेनी है। अब हम इसको ठंडे पानी के नीचे रखेंगे, और साथ ही ठंडे पानी के बाद हम 1 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। ये देखिए, आपने इस तरह इसके ऊपर टैप वाटर जो है वो अच्छे से डाल देना है, इससे ये स्टिकी नहीं होती। और आप देख सकते हैं कि हमारे जो नूडल्स हैं वो स्टिकी नहीं है, स्पैगेटिस। ये देखें, अब हम 1 चम्मच जो खाने वाला कुकिंग ऑयल है वो मैं इसके अंदर ये डाल दिया। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर, ये आप देख लें बिल्कुल स्टिकी नहीं है, इसी तरह आपके ये होने चाहिए। चलिए अभी हमारे अच्छे से मिक्स हो गए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें हमने वेजिटेबल्स फ्राई करनी है। ये देखें व्यूअर्स, मैंने उसी कढ़ाई में 2 से 3 टेबलस्पून जो है वो ऑयल डाला है, और ये लहसुन का हम 1 जब्बा लेंगे, और इसको बारीक बारीक जो है हम कट कर लेंगे। आप चाहें तो इसकी पेस्ट भी बना सकते हैं। अब हल्का सा हम इसको फ्राई करेंगे, जैसे ही ये लाइट गोल्डन होगा तो हम इसमें वेजिटेबल्स को भी साथ साथ फ्राई करते जाएंगे।
अब ये देखें लहसुन ने जो है वो अपना कलर बदल लिया। अब मैं क्या करूँगी, सारी वेजिटेबल्स इसके अंदर हम ऐड करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने बाकी सब्जी को मटर के अलावा किसी को भी बॉईल नहीं किया। हमने इसको जस्ट स्ट्रेट फ्राई करना है 1 से 1.5 मिनट, ताकि जो सब्जियों का क्रंच है वो बरकरार रहे। अब यहाँ पर मैं साथ ही बंद गोभी भी डाल दूंगी। जो स्पैगेटी के साथ चिकन बॉईल की थी वो निकाल ली है, इसको भी हम इसके अंदर 1 से 2 मिनट जो है वो भूनेंगे, ताकि जो चिकन की स्मेल है वो खत्म हो जाए। अब ये सब कुछ अच्छे से फ्राई हो गया, तो हम इसके अंदर अब मसाले डालेंगे। सबसे पहले काली मिर्च, नमक, चिली सॉस, यहाँ पर सोया सॉस। चलिए व्यूअर्स, अब हम अपनी स्पैगेटीज जो हैं वो इसके अंदर ऐड करते हैं। अब हम इनको अच्छे से मिक्स करते हैं। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए दम पर छोड़ देंगे। अब 1 मिनट हो चुका है, हमारी जो स्पैगेटीज हैं बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमारी चिकन वेजिटेबल स्पैगेटीज जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मैंने इसको डिश आउट कर लिया और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही जो है हमारी कलरफुल सी जो है वो डिश रेडी हो चुकी है। इसके साथ ही हमारी आज की ये रेसिपी कंप्लीट होती है। कल इंशाल्लाह एक बार नई रेसिपी इसके साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन जाने से पहले आपने क्या करना है, हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।